गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। स्वस्थ बचपन से बनेगा सशक्त उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। शिशु सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने की अपील। कहा, अब बुधवार और शनिवार के अलावा सोमवार को भी होगा टीकाकरण। गोल्डन कार्ड से आयुष्मान होगा हर पात्र। अगले 10 दिनों तक घर घर टीबी मरीजों को ढूंढेगी सरकार। गोरखपुर की पहली महिला गैंगस्टर सहित दो अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुक्रवार की रात बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग का है आरोप। एक अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी सिटी ने कहा, फरार अभियुक्तों की भी होगी जल्द गिरफ्तारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित हुई ई लोक अदालत में कुल 56 वादों का हुआ निस्तारण। मोटर दुर्घटना के 27 दावों का निस्तारण करते हुए 1,08,75,000 रुपये दिया गया प्रतिकर अवार्ड। सुलह समझौते के आधार पर 4 जोड़ों की हुई विदाई। लाइव मोटरसाइकिल चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सीसीटीवी फुटेज से हुई शातिर चोर की पहचान। चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ कैंट पुलिस ने उसी शातिर चोर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के लच्छीपुर खास में युवक की गई निर्मम हत्या के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना का किया खुलासा। अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल छोटा गैस सिलेंडर किया बरामद, भेजा जेल। एसपी ट्रैफिक द्वारा यातायात मास जागरूकता अभियान का किया गया शुभारंभ। कहा, यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित सफर के लिए पूरे माह लोगों को किया जाएगा जागरूक। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 12 दिसंबर को दीवानी परिसर में लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। मोटर क्लेम, पारिवारिक मामलों सहित अन्य सभी मामलों का होगा सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण। प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने दी जानकारी। विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर ईंट निर्माता समिति की बैठक। कोरोना काल के बाद 21 जनवरी से ईंट भट्टों में आग लगाने की तिथि हुई निर्धारित। गोरखपुर में रविवार को मिले 78 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,042। अब तक 307 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 697। सीएमओ डॉक्टर श्री कांति वारिनी की पुष्टि। सिंधी समाज के संत अमर शहीद संत कंवर राम की 81वीं पुण्यतिथि पर सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित हुआ कार्यक्रम। संत कंवर के चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी गई श्रद्धांजलि। और मंडल अध्यक्ष पन्नेलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मासिक बैठक। संगठन को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा।